हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि और आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूं और सोचा था मैं डेली व्लॉगिंग करूंगी, लेकिन डेली व्लॉगिंग के चक्कर में जो व्लॉग बन रहे थे वो भी नहीं बना पा रही हूं अभी, और टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। सब थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था रूटीन। अभी ट्राई कर रही हूँ कि दोबारा से मैं व्लॉगिंग शुरू करूँ। और आज हम कहीं बाहर आए थे और बाहर हमें दिख गया है ये आम का पेड़, और आम का पेड़ दिख गया है और आम ना लेके जाए हम ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उज्जवल है हमारे साथ आज गाजियाबाद से जो आम तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दो तीन डंडियां फंसा चुके हैं, कुछ आम तोड़ भी दिए हैं। मैंने ही तोड़े सारे। हाँ, कितना झूठ, मतलब तोड़ दे उज्जू, तोड़ दे, इस पे चढ़ जाना व्हाइट वाला जो नीचे है। अभी दूसरे प्लेयर ट्राई करते हुए भाई जहाँ जहाँ आम है वहाँ तो मारो। नहीं देखो, इधर खड़े हो गए, देखो ये आम है और ये उज्जवल की डंडी जा रही है। इधर खड़े हो गए मारो, देखो कितने सारे आम दिख रहे हैं। इधर खड़े हो गए मारो ना, इधर से है ना, गंदे आम नहीं तोड़े। गंदे नहीं है, अच्छे आम है, देखो तो। एक गिरा, छोटा सा गिरा, गलती से गिर गया वो। गलती से नहीं, लग के गिरा होगा। कहीं पे निशा मत दीजिए, प्यारो आम। एक आम टूटा है, छोटू आम है ये, छोटू आम। अभी यार लेट थी आज। उज्जू इधर से मार के देख, इधर खड़ा होकर मार के देख, चल जल्दी हट वहां से। लेट मी आल्सो ट्राई। एक तो टूट नहीं रहा ये, टूट गया। आम टूट गया तो मुझसे पहले भाग के गया है। दिखाइए कैसा, बहुत बड़ा है यार, निकल गीला है। नहीं बढ़िया है, बहुत बड़ा आम, 200 ग्राम का तो होगा। बढ़िया आराम से। अरे ये तोड़ के दिखा, और ये ऊपर मुझे दो आम दिखे हुए हैं जो लाल हो गए हैं, ऐसे ही टूट जाएंगे ये तो। गाड़ी को ही आज तोड़ के लेके जाते हैं। वाह इतने प्यासे, पीछे हट जाओ उज्जवल, पता चला सर में ही लग गया, गिर गया। नहीं नहीं, मेरे हाथ में पहले से ही दो हैं। ऊपर ही लगी, दिखाओ तेरी टी शर्ट से मैचिंग आम है तो। पिंक एकदम, लेकिन वो डंडे से आराम से खुल गया। आम बहुत सारे हैं, लेकिन पेड़ इतना घना है कि डंडे ही ऊपर फंस जा रहे हैं। दिमाग अपनी पूरी कोशिश करते हुए। अरे मुझे तो इधर से बहुत बड़ा आम दिख रहा है, मेरे को भी, लेकिन उज्जू को। अरे उसी तोड़ो, वो बहुत बड़ा है ना। हाँ है, ये देखो, इधर आ, देख कितना बड़ा आम है। इधर से वो दिख रहा है, वो वहाँ पे। हाँ, इस पे चढ़ जा व्हाइट वाली पे, हाइट बढ़ जाएगी 1 फीट और। बहुत बड़ा है यार, थोड़ा साइड से यार, नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा, नहीं चला गया। ले ओ, तो अभी आ गए हैं दूसरे पहलवान आम तोड़ने के लिए। बट आई फाउंड अ न्यू आम, ये तो मैंने सबसे पहले इसके इसके ऊपर पे एक और है बहुत बड़ा सा, तोड़ दो, घुमा दो, इस पे मार दो ना जोर से, गिर जाएगा अपने आप टूट के, घुमा दो, चलो चलो लो, गिर पड़ा। दूसरे वाले पे भी ऐसे ही मार दो, जाएगा हाथ नहीं। बहुत जीती है भैया वो। अब ये धीमान जिंदाबाद, आम तोड़ो जिंदाबाद। आधे तो तुम्हारे निशाने, वो ज्यादा पत्ते होने की वजह से लग नहीं रहा उस पे ठीक से। कहाँ गया? वहीं पे है वो, लटका हुआ है।
इस डंडे की वजह से नहीं लग रहा उस पर, ये जो आगे है ना। चलो कोई बात नहीं, वैसे ही बहुत सारे तोड़ दिए हमने। वो कहाँ है लाल वाले जो तोड़े थे? वो ये रखे ना। इस पे क्या बंधा हुआ था यार? एक डंडी सी बंधी है। बहुत सुंदर से हम तोड़ लिया हमने। ये क्या चीज़ देना कुछ मुझे? इतने सारे हमने आम तोड़ लिए हैं। और ये आम तोड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र बनाते हुए खंजर लगा दिया इसमें तो लकड़ी का। अब तुम देखो बचेगा कैसे। ऐसा मारूंगा ना ऊपर से कट के सीधा चार गिरेगा नीचे। ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब? थोड़ा नहीं, यहाँ से तो कटना चाहिए ना। पसीना आ गया। और ब्रह्मास्त्र हो चुका है रेडी। अभी देखते हैं कितने आम तोड़ेगा ये ब्रह्मास्त्र। अरे आम घूम हो गए यार। अंकल देख रहे क्या हो रहा है ये? कौन? अबे ये हिल रहा है भाई। अबे घूम के ये ब्रह्मास्त्र ने काम कर दिया। कितना बड़ा आम तोड़ा। खुशबू मस्त है इनकी। बस बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया। एक दो तीन चार, एक किलो तो हो गए होंगे। कुछ तो मैं गाड़ी में रख के भी आ गई। हाँ तो हो गए होंगे। और ये तोड़ लिया हमने इतने सारे आम, घर जाके शायद सब्जी बनाएंगे या फिर नमक मिर्च लगा के खाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। मजाक मजाक में इतने सारे तोड़ लिया हमने। चलो अचार बनाते हैं दोबारा से। और आम तोड़ने के बाद ये दोनों खेल रहे थे अपने 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 गेम्स। मुझे ये भी नहीं पता कौन सा गेम खेल रहे थे ये। काफ़ी देर इन लोगों ने यहाँ बैठ के गेम खेला, क्योंकि हम यहाँ बैठ के कर रहे थे मम्मी पापा का वेट। और इसके बाद हम कहीं कहीं अपने काम पे गए। अभी हो गया है नेक्स्ट डे। कल का व्लॉग ऐसे ही पेंडिंग हो गया था और मैं कुछ तो कोशिश कर ही रही हूँ बनाने की। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ एक पेंटिंग जो स्कूल टाइम में बनाते थे उस टाइम की पेंटिंग मैं बना रही हूँ अभी। तो अभी मैंने ये एक A4 शीट थी मेरे पास, बहुत अच्छा वाला पेपर, अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसके चारों तरफ मैंने ये टेप लगा ली है। तो मैं जो पेंटिंग बनाने जा रही हूँ वो आपको एंड में दिखाऊँगी, क्योंकि हो सकता है मैं इसको छोड़ भी दूँ, हो सकता है मैं इसको भी कम्प्लीट कर दूँ। तो अभी मैं थोड़ा इस पेंटिंग को कम्प्लीट करके दोबारा आती हूँ। आज मैंने बनाई है ये पेंटिंग जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ क्या, जैसा सोचा था बिल्कुल भी वैसी नहीं है और ये वैसे बिल्कुल बनेगी भी नहीं। अभी मैंने इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ा हुआ है। तो मैंने अपना बेस्ट दिया है इसमें। इनको देख के एक सीख तो मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में बेस्ट हो, ज़रूरी सिर्फ इतना होता है कि आप दुनिया में अपना बेस्ट दो। तो इसी के साथ मैं इस पेंटिंग को भी बंद करती हूँ, अभी बहुत हो गई है इसकी बकवास। तो एक नई पेंटिंग मैं अभी, स्केच बहुत अच्छे बन रहे हैं। मैं अगर देखूँ के अलावा मैंने ये कुछ स्केच ट्राई किए थे। ये लोटस का है, लोटस फ्लावर है जो डिफरेंट स्टेजेस मैंने इसमें बनाई है। मैंने ये भी ट्राई किया है, ये ट्राई किया है और एक ये स्केच मैंने ट्राई किया है अपने हस्बैंड का फेस। थोड़ी आईज़ एग्जैक्ट मैच हो रही है, पता चल रहा है कि किसका है। बट हाँ अभी ये भी थोड़ा सा बीच में छूट गया है। अभी ये भी मैंने नहीं कंप्लीट किया है, इसको भी मुझे कंप्लीट करना है। काफ़ी अच्छा बन चुका है ये एक्चुअली, ठीक है। इसको कंप्लीट जब हो जाएगा तब मैं दिखाऊँगी। और ये देखिए ये सबसे प्यारा स्केच बना है। तो बाद में फिर से रिपीट करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट दो। हो सकता है आप कलर पेंटिंग में अच्छा नहीं कर सकते हो बट स्केच में अच्छा कर सकते हो, तो ठीक है। हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। और ये पेंटिंग और ये भी मैंने बनाया था, ये भी काफ़ी अच्छा बन गया है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा बना है। पता नहीं अच्छा लगे ना लगे,
ये भी मैं आई थिंक एक दो पेंटिंग ख़राब करने के बाद मैं सीख जाऊंगी अच्छा बनाना। कभी स्कूल टाइम में करते थे, हो गए होंगे 10-12 साल, कोई बात नहीं। तो इसी पेंटिंग के साथ मैं आज का ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया है, बट हाँ मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ। पता नहीं मेरे व्लॉग कोई देखता भी होगा या नहीं, पर हाँ एक दिन ज़रूर देखेंगे, सब देखेंगे। और अगर मैंने कंटिन्यू रखा तो सब देखेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं देखेगा, जो देखते हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा ही होता है। और ठीक है, आज का दिन बस ये व्लॉग इतना ही। तो आज संडे है, आज फादर्स डे भी है, तो जितने भी फादर्स हैं दुनिया में सबको, अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है ऐसे, तो सबको हैप्पी फादर्स डे। ठीक है, अच्छा दिन है आज का, गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बहुत जगह गर्मियाँ इतनी पड़ रही हैं कि बहुत मुश्किल है बाहर निकलना, बहुत मुश्किल है। तो जितना हो सके घर पे ही रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और बस मेरे व्लॉग को देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।